नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से नीट परीक्षा की जांच कराने की मांग की गई है। यह अलग किस्म की याचिका है। नीट से जुड़ी याचिकाओं पर 8 जुलाई को और भी सुनवाई होनी है, लेकिन परीक्षा दोबारा कराने की भी मांग की गई है, परीक्षा की जांच कराने की मांग की गई है। 20 छात्रों का एक दल, एक टीम बनाकर यह याचिका दायर की गई है। नीट में गड़बड़ियों को लेकर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग, नीट परीक्षा की जांच कराने की मांग। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। 1563 छात्र जो हैं, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे, उनका वो एग्जाम देंगे, लेकिन प्रोसेस पर रोक नहीं लगेगी। अदालत ये साफ कर चुकी है। और अब एक और याचिका। नीट परीक्षा दोबारा कराने की भी मांग इस याचिका के जरिए की गई है। 20 छात्रों के एक दल ने याचिका दाखिल की है। इसी से जुड़ी याचिकाओं पर 8 जुलाई को भी सुनवाई होनी है। और ये तस्वीरें जो हर बार आप देखते हैं, नीट को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस इमारत को भी आप देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, री नीट, इसकी भी डिमांड की जा रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि काउंसलिंग वो नहीं रोकेगा।